नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। बता दें कि बीते दिन नई दिल्ली से पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, जो अब वॉशिंगटन पहुँच चुके हैं। पीएम मोदी अब यहाँ से सीधे पेंसिल्वेनिया एवेन्यू स्थित होटल में जाएंगे, जहां पर वो यहीं ठहरेंगे और 23 सितंबर को, यानी कि आज बता दें अमेरिकी समय अनुसार 9:40 पर, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल में ही अलग अलग सीईओ से मुलाकात करेंगे। इन सीईओ में कॉल के अध्यक्ष रहे और सीईओ और एडोब के चेयरमैन, फर्स्ट सोलर के सीईओ, अर्नल एटॉमिक्स के चेयरमैन सीईओ और ब्लैकस्टोन के संस्थापक शामिल होंगे। वहीं बता दें आज पीएम मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही बता दें कि अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक बयान में अपनी पूरी यात्रा का ब्यौरा भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करूंगा। मैं दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्साहित हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संबोधन के साथ अपनी यात्रा का समापन करूंगा, जिसमें कोविड महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अमेरिका की मेरी यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने और हमारे रणनीतिक भागीदारों को जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगा। चुनाव प्रभारी, 7 सह प्रभारी और 6 क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों की भारतीय जनता पार्टी की टीम बुधवार को लखनऊ पहुंच गई। बता दें स्पेशल टास्क फोर्स की तरह उत्तर प्रदेश मिशन 2022 के लिए तैयारियां की गई और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व वाली ये टीम प्रदेश में संगठन के साथ समन्वय बनाकर सत्ता वापसी की रणनीति बना रही है। ये पहला दौरा 3 दिन के लिए प्रस्तावित है, जिसकी मैराथन बैठकों का सिलसिला प्रदेश मुख्यालय में शुरू हो चुका है। 2014 के बाद से ही लगातार चुनावों में विजय हासिल कर रही बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन है, लेकिन समन्वय और मार्गदर्शन के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए चुनावी तैयारियों के लिए पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को प्रदेश चुनाव प्रभारी बना दिया है। उनके साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा कंदरलाजे, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्ण देवी, सांसद सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु और विवेक ठाकुर को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। ये क्षेत्रों के संगठन प्रभारी भी बनाए गए हैं। ऐसे में क्षेत्रों के संगठन प्रभारी तो इस बीच कुछ दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान सहित सह प्रभारी बुधवार को ही लखनऊ पहुंचे और शाम को प्रदेश मुख्यालय में दिल्ली से आई टीम की पहली बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्य, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, सभी प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल आदि शामिल रहे। पंजाब सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नियुक्त किए गए अफसरों की छटनी शुरू हो चुकी है। दरअसल बुधवार को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निर्देश पर 13 ओएसडी हटा दिए गए। हटाए गए अधिकांश ओएसडी कैप्टन द्वारा ही नियुक्त किए गए थे और हटाए गए अफसरों के नाम हैं कैप्टन के गृह स्थान पर तैनात ओएसडी एमपी सिंह, बलदेव सिंह, मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी के ओएसडी राजेंद्र सिंह बाट, कर्मवीर सिंह, मेजर अमरदीप
सिंह अमृतसर में मुख्यमंत्री के ओएसडी तैनात रहे संदीप, ओएसडी पॉलिटिकल गुरमेहर सिंह, ओएसडी जगदीप सिंह, ओएसडी अंकित बंसल, ओएसडी गुरप्रीत सैनी, देसी ओएसडी अमर प्रताप सिंह सेखो, दिल्ली में तैनात ओएसडी नरेंद्र भामरे। बता दें कि चन्नी सरकार द्वारा इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में भी सीएम के स्पेशल सेक्रेटरी गुरप्रीत कृपाल सिंह और तेजवीर सिंह को हटा दिया गया था, जबकि कैप्टन के साथ कार्यरत कई अधिकारियों ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में इस्तीफा देने वाले अधिकारियों में मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, भरत इंद्र सिंह चौहान और रवीन ठाकुर सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कार्यक्रम एल प्लाजा मऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शमशुद्दीन राय जी मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ शिरकत करने वहां पर पहुंचे थे, जिनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं पहना कर किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान किया गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत और निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो अपनी पार्टी से घोषित प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद अपने मंडल प्रभारियों से मंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर मऊ में भी मंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन एक प्लाजा में किया गया, जिसमें सदर विधानसभा से प्रत्याशी भीम राजभर मधुबन, विधानसभा से नीलम कुशवाहा को जीत दिलाने के लिए मुख्य अतिथि शमशुद्दीन रायन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। वहीं बसपा से निष्कासित बाहुबली विधायक पर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो नजर अंदाज करने लगे और कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, इसका फैसला हाईकमान का है, उनका जो फैसला है वही सर्वमान्य है। बहुजन समाज पार्टी मिशन है जी, पहले मिशन है फिर पार्टी है, राजनीतिक दल के साथ साथ पार्टी भी है, ऐसा नहीं है जी। उनके भाई सांसद भी है हमारे दल में, ऐसा थोड़ी ना, ये तो ये बात नहीं कहना चाहिए आपको। क्या मतलब मुख्तार अंसारी को नहीं बोलना है आपको? मुख्तार अंसारी को नहीं बोलना है? मुख्तार अंसारी नहीं बोलेंगे आप? भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी जिले से एक और बेटी के वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनने के बाद इलाके में जश्न का माहौल है। बता दें ताहिरा अल्ताफ राजौरी से दूसरी और गुज्जर समुदाय से जम्मू कश्मीर की पहली बेटी हैं जो वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनी हैं। ताहिरा ने वायुसेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन परीक्षा पास कर ली है। राजौरी मुख्यालय से 145 किलोमीटर दूर खवास तहसील के खोट बनी गाँव में हर वर्ग के लोग ताहिरा की इस कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं। बता दें ताहिरा रहमान के गांव और घर तक सड़क नहीं है, लेकिन मुबारकबाद देने के लिए लोग 4 किलोमीटर पैदल चलकर उसके घर पर पहुंच रहे हैं। इससे घर के तमाम सदस्य फूले नहीं संवार रहे। साथ ही ताहिरा से पूर्व राजौरी जिले में लंबेड़ी क्षेत्र की माया सूदन भी फ्लाइंग अफसर बनी थी। बता दें ताहिरा की कामयाबी की कहानी की असल नायक उसकी माँ है। उस समय रकिया बेगम के शौहर सेना में तैनात थे और खोड़ बनी गाँव में वो दो बच्चों के साथ रहती थी। गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं था, निकटवर्ती प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर दूर था, उसके बावजूद भी रास्ते में जंगल भी था, इसीलिए रकिया अपनी बेटी ताहिरा को 5वीं कक्षा तक कंधे पर बैठाकर रोज स्कूल ले जाती थी और फिर दोबारा स्कूल से वापस ले आती थी। रकिया ने कहा कि बेटी के जरिए उन्होंने अपना सपना देखा था और आज उनकी बेटी ने ये सपना पूरा कर दिया है। जो भी मेहनत की थी आज उसका फल उसको मिल चुका है। हरदोई के 52 ब्लॉक के नयोरा देव स्थित स्वामी कल्याण आनंद पीजी कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। ऐसे में बता दें भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों और महाविद्यालय के संस्थापक ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही कॉलेज की छात्रा मानसी द्विवेदी और छात्र अनमोल गुप्ता ने 97.5% अंक पाकर प्रथम स्थान हासिल किया। ऐसे में छात्रा सीता
सरिता वर्मा, प्रगति पांडे और छात्र अभिनव श्रीवास्तव, आदित्य कुमार सिंह ने 96% अंक पाकर दूसरा और सिमरन खान, डिंपल वर्मा, अनुज कुमार और शिवानी ने तीसरा स्थान हासिल करते हुए 95% अंक हासिल किए थे। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक विपिन दास, प्रबंधक इतेंद्र सिंह और क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक विपिन कुमार द्विवेदी, पीजी कॉलेज के संस्थापक और विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह ने संयुक्त रूप से मेधावी छात्र छात्राओं सहित आशीष कुमार सिंह, सोमेंद्र सिंह वहां पर उपस्थित रहे और ऐसे में सभी छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आज ये बीए द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष और बीएससी द्वितीय वर्ष और बीएससी तृतीय वर्ष, ऐसे लगभग 150 से अधिक छात्र जो है छात्राएं, वो जिनके अंक जो है 90% या उससे अधिक थे, ऐसे सभी छात्र छात्राओं को यहाँ आज आमंत्रित किया गया था। उनका एक सम्मान समारोह था, उनको सबको प्रमाण पत्र और मेडल दे करके सम्मानित किया। सर, बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ? बच्चों के लिए यही संदेश है कि इसी प्रकार से आप अपने जीवन में मेहनत करें और एक अच्छे योग्य नागरिक होकर के इस देश को और आगे बढ़ाएं और इस देश को फिर से पुनः जो प्राचीन काल में था उसी स्थिति में फिर से पहुंचाएं। क्या नाम है आप? आगे क्या करना चाहती हैं आप? मेरे बीएससी सेकंड ईयर में मैम है, मुझे 96.35% मिले हैं। इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर को देना चाहता हूँ। मैं आगे तैयारी एसएससी की करूँगा और उसकी कोचिंग निकालने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम सुनील कुशवाहा है, मैं ग्राम भौरवा मैं जो इस मुझे प्राप्त हुए हैं मेरे मम्मी पापा और मेरे विद्यालय परिवार का आशीर्वाद है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय परिवार का आशीर्वाद मुझे बना रहे और मैं आगे आर्मी में जाऊँ। गोरखपुर में वार्ड संख्या 70 नकाहा जंगल शास्त्री नगर स्थित पानी टंकी के पास पूर्व रेल कर्मचारी नेता स्वर्गीय अनंत प्रसाद पांडे की स्मृति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से वृहद कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बता दें, इस कैंप में 500 से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण कराया और कैंप में टीकाकरण का शुभारंभ वहां उपस्थित वरिष्ठ नागरिक का स्वागत आयोजक अजय कुमार पांडे ने आरती उतार कर किया। टीकाकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखनाथ की प्रभारी डॉक्टर अनुराग गुप्ता, लैब टेक्नीशियन प्रिया सिंह, स्टाफ नर्स संगीता यादव, एएनएम प्रियंका सिंह और प्रेम लता, वार्ड बॉय पवन और डॉक्टर ऑपरेटर पंकज तिवारी ने कैंप में आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय समझाने के साथ ही उन्हें टीका लगाने में सहयोग भी किया। इस दौरान अनु पांडे, मनोनीत पार्षद उमेश श्रीवास्तव, देवेंद्र प्रसाद, विनोद गुप्ता समाज और ऐसे में अभय शुक्ला और निवर्तमान महामंत्री भाजयुमो पंडित कृष्ण तिवारी बीजेपी और ऐसे में अवधेश त्रिपाठी भी शामिल रहे। इस महामारी के दौर में कोविड वैक्सीन का कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कैंप का आयोजन किया गया है शास्त्री नगर कॉलोनी में। हमारे द्वारा, मैं अजय पांडे हूँ, छात्र जीवन से ही संघर्ष कर रहा हूँ लोगों के लिए और यहाँ पे अशक्त, विकलांग, बुजुर्ग, बीमार लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और गरीब लोग भी थे जो कई कई बार गए और किसी कारणवश इतनी भीड़ थी और कुछ गड़बड़ी के कारण लोग टीकाकरण से वंचित रहे। इस महामारी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निःशुल्क अभियान जो चलाया जा रहा है, इसके तहत मैंने स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और मैं स्वास्थ्य विभाग के लोगों का धन्यवाद देता हूं और मोहल्ले के लोग इस टीकाकरण से काफी खुश दिखाई दिए और उत्साहित हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम पर अपडेट देते हुए दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और इसके साथ ही आने वाले दिनों में बारिश की संभावना के बीच येलो अलर्ट भी जारी किया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने कई ट्वीट करते हुए देश में बारिश के हाल की जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ छींटे
छींटे पड़ सकते हैं, तो कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से किए गए ट्वीट से पता चलता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली बुरारी करावल नगर और सिविल लाइन दिलशाद गार्डन सीमापुरी विवेक विहार लोधी देहात हिंटन एएफ स्टेशन और अलग अलग स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल के 14वें सीजन के 33वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की। सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। दिल्ली ने 17 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल किया और इस जीत के साथ दिल्ली की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को पीछे करते हुए अंक तालिका में 14 अंक लेकर टॉप पर पहुंच गई। लक्ष्य का पीछा करते उतरी दिल्ली के लिए पृथ्वी शाह और शिखर धवन ने तेज शुरुआत की, लेकिन जल्द ही ये जोड़ी टूट गई। खलील अहमद ने पृथ्वी को 11 रन के स्कोर पर केन के शानदार कैच पर आउट कर वापस भेज दिया। बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे धवन का बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में राशिद खान की गेंद पर अब्दुल समद को कैच दे बैठे और ऐसे में 37 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से उन्होंने 42 रन बनाए। ऐसे में श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद पर 2 चौके और इतने ही छक्के की मदद से नाबाद 47 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान ऋषभ पंत ने 21 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के जमाते हुए नाबाद 35 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। देहरादून में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपनी सभी संगठनात्मक इकाइयों को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी के तहत अब बीजेपी अपने मीडिया प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित करेगी और 24 सितंबर यानी कि कल को राजधानी देहरादून में आयोजित की जाने वाली इस मीडिया कार्यशाला में पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि इसमें प्रदेश के मीडिया प्रभारी, सभी जिलों के मीडिया प्रभारी और सभी संगठनात्मक इकाइयों के मीडिया प्रभारी शामिल होने वाले हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मीडिया विभाग को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और उत्तराखंड के चुनाव सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत प्रदेश के कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी के मीडिया प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश देंगे। आज जहां उत्तराखंड के तमाम रीति रिवाज तीज त्योहार पारंपरिक मिलनसार संस्कृति धरोहर दिनों दिन पाश्चात्य सभ्यता की देखी करते हुए क्षीण होती जा रही है और फूहड़ता को शब्दों में पिरोकर समाज के बीच परोसा जा रहा है, जिस वजह से आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों की मजबूत संस्कृति धरोहरों की जानकारी ना के बराबर ही मिल पा रही है। तो वहीं अब कुछ लोगों ने आगे आकर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। दरअसल इसी कड़ी में पिंटर घाटी बहुउद्देशीय विकास और संस्कृति समिति थराली ने स्थानीय स्तर पर देव और मांगलिक कार्यों के दौरान गाए जाने वाले मांगलिक गीतों के संरक्षण के लिए एक अभिनव प्रयास करते हुए गांव गांव जाकर महिलाओं को अपनी संस्कृति को बचाने की मुहिम के तहत मांगलिक गीतों की प्रतियोगिताएं करने का बीड़ा उठाया है। दरअसल यहां की संस्कृति की मजबूत पहचान है देव और मांगलिक कार्यों के समय गाए जाने वाले मांगलिक और लोकगीतों से, जो अब धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के पांव पसारने के चलते समाप्ति की कगार पर है और इनके संरक्षण के लिए अब यहाँ काम शुरू हो चुका है। आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया और मंच पे आने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बधाई संस्था भाई प्रेम देवराड़ी जी का और प्रदीप गुरुला जी का, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने एक ऐसा कदम उठा रखा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। हम लोग आजकल फोन पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, फेसबुक पे जो है लाइव चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृतियाँ हैं उस संस्कृति को हम ये आधुनिक युग में भूलते जा रहे हैं। तो इस
संस्कृति को इन्होंने बचाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो हमारी पौराणिक प्रथा है उस प्रथा को बचाए रखें, क्योंकि आजकल ये अंग्रेजी ज़माना, इंग्लिश गाने, ये अंग्रेजी पूरा जो भी आ रहा है, तो हमारी रीति रिवाज जो है उसमें विलुप्त हो रही है। उसको बचाए रखने के लिए उन्होंने हमें जागृत किया और हमें इस मंच तक लाए। और आज मैं जो भी ये है कि आज हम यहाँ पे सब प्रथम स्थान पाए हैं, हमने आशा करती हूँ कि इस प्रथम स्थान को हम आगे तक ले जाएं और अपने गांव का, अपने श्री पुरोहित जी का नाम आगे ले जाएं, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। ये मांगल गीत प्रतियोगिता है, इसमें खास तौर से जो संस्कार हैं हमारे, चाहे वो विवाह के संस्कार हों, वो चूड़ा कर्म के हों, या यज्ञोपवीत के हों, या अन्न प्राशन के हों, इन अवसरों पर हमारे जो पिछले वक्त रहा है, बीता हुआ समय रहा है, उसमें लोग गाते थे। मैंने सुना है मेरी दादी बहुत सारे मांगल गाती थी, लेकिन आज जो है समय की विडंबना है कि लोग उन संस्कारों के टाइम पर कोई भी मांगलिक गीत नहीं गाए जा रहे हैं, और यदि कोई गा भी रहे हैं तो वो छूटे पीटे टूटे फूटे से गीत आ रहे हैं और उसी को हम पूर्ण मान रहे हैं, और एक बिगड़ा हुआ स्वरूप जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने इसका जा रहा है। तो हमारे मन की पीड़ा थी कि हम बहुत सारे मंचों पर जाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें जाने का अवसर मिला, वहाँ पर बहुत सारे अन्य राज्यों से या अन्य जिलों से जो है बहुत सारी महिला मंगल दल मांगल गीतों को लेकर जाती हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र से इस प्रकार की कभी भी हमने देखने को नहीं मिली। तो हमने एक प्रयास किया, लोगों से बात करी, महिला मंगल दलों से लोगों का इंटरेस्ट हमें लगा, और हमारा प्रयास है कि इसमें जो सयानी महिलाएँ हैं, यानी जो वृद्ध महिलाएँ हैं, उनके पास जो भी है उसको नई पीढ़ी तक पहुँचाने का एक प्रयास करें। तो वहीं उत्तरकाशी में जिला गंगा कमेटी की देखरेख में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत गंगोत्री धाम में मंदिर परिसर, स्नान घाटों और यात्रा पड़ाव के मुख्य मार्गों पर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में आम जनमानस को मां गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने को लेकर संदेश देकर जागरूक करने का भी काम किया गया। इस मौके पर स्वजल और वन विभाग और गंगोत्री नगर पंचायत के अधिकारियों सहित तमाम कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। देहरादून के डोईवाला के हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में दो महिलाएं सुषमा और सुल्ताना खातून ने अपने पति के प्राणों पर आए संकट को दूर करने के लिए अपनी एक एक किडनी एक दूसरे के पतियों को दान की है। बता दें कि जौलीग्रांट अस्पताल में सफल स्वैप ट्रांसप्लांट कर अशरफ अली और विकास उनियाल दोनों को एक नया जीवन दिया गया है। चारों पति पत्नी अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बता दें कि डोईवाला निवासी अशरफ अली दोनों किडनी खराब होने के चलते पिछले 2 सालों से डायलिसिस पर थे और किडनी ट्रांसप्लांट ही उन्हें बचाने का एकमात्र सहारा था। हालांकि उनकी पत्नी सुल्ताना खातून उन्हें अपनी एक किडनी देने के लिए तैयार थी, पर ब्लड ग्रुप मैच न होने के चलते ये संभव नहीं था। वहीं इसी बीमारी से पीड़ित कोटद्वार निवासी विकास सुनियाल की भी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी और वो भी पिछले 2 साल से डायलिसिस पर थे। सुल्ताना खातून की तरह विकास की पत्नी सुषमा का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने के चलते वो भी अपने पति को अपनी किडनी नहीं दे सकती थी। ये दोनों ही परिवार एक ऐसे डोनर की तलाश कर रहे थे जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो सके, जिसके बाद हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट के इंटरवेंशनल डॉक्टर शहबाज अहमद ने दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवाया और इस बीच जांच कराने पर पता चला कि सुषमा का अशरफ से जबकि सुल्ताना का विकास से ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है। दोनों परिवारों को तुरंत ही उम्मीद की किरण नजर आई और सुषमा और सुल्ताना दोनों एक दूसरे के पति को किडनी देने के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद इस स्वैप ट्रांसप्लांट को करने के लिए यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी की एक संयुक्त टीम बनाई गई और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उत्तराखंड राज्य प्राधिकरण समिति से अनुमति ली गई, जिसके बाद सभी की सफल सर्जरी कर ली गई है। लगभग 8-9 महीने पहले मेरे पास पेशेंट श्री अशरफ जी आए थे, उनका गुर्दा फेल हो गया था और उनका डायलिसिस बार हो गया। उनके पास में सुटेबल डोनर सिर्फ वाइफ थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वाइफ का ब्लड ग्रुप और इनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा। उसी तरह से विकास उनियाल पेशेंट था, उनका भी डोनर सिर्फ वाइफ ही थी, लेकिन उनके भी वाइफ का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो पा। एक चीज़ अच्छी ये चीज़ थी कि विकास उनियाल और अशरफ दोनों की जो पत्नियां थी उन दोनों का अगर अदला बदली करते तो उसमें मैचिंग हो जाता, फिर दोनों की जांच करेगी और इन लोगों का सुटेबल पाया गया। यह प्रावधान 2010 या 11 के आसपास में ट्रांसप्लांट एक्ट में जब चेंज आया, इससे स्वैपिंग अलाउड होती है और इस चीज़ से मरीजों को आसानी हो जाती है कि अगर आपस परिवार में नहीं हो पा रहा है तो दूसरे परिवार में से, लेकिन वो मरीज का ही परिवार होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो स्वैपिंग संभव है।
तो देखा आपने इन दो महिलाओं ने किस तरह से एक दूसरे के पति को किडनी डोनेट करके उन दोनों को एक नया जीवन दे दिया है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।